बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के युवा प्रवक्ता आदरणीय कुणाल सारंगी जी, हम लोगों के बड़े भाई और वरिष्ठ विधायक आदरणीय केदार हजरा जी, सम्मानित सभी पत्रकार भाइयों, आप सभी लोगों का इस प्रदेश कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। पहले तो अपना मूल विषय से पहले, ये जो हेमंत सोरेन जी की तीन टांग की सरकार चल रही है, उसका घोषणा पत्र का एक लाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये घोषणा पत्र है कांग्रेस की, जिसमें इन्होंने 13वें पॉइंट पर लिखा है कि हम पारा शिक्षकों को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र है, जिसमें इन्होंने पहले ही पॉइंट पर लिखा है कि पारा शिक्षकों को सम्मानजनक सेवा शर्तों के साथ वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको नियमित किया जाएगा। ये दोनों इनके घोषणा पत्र हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोषणा पत्र की आज क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकाला गया है, और ये उस विज्ञापन का मूल कॉपी हम लोग लेकर के आपके बीच में आए। 26,001 पदों पर शिक्षकों के बहाली के लिए आज समाचार पत्र में प्रमुखता से खबर छपी है। 26,001 शिक्षक के आप बहाली करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये यहीं से खड़ा हो रहा है कि इसमें नियोजन नीति आपकी क्या है, कौन से नियोजन नीति पर आप 26,001 शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं। और जब नियोजन नीति होगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से स्थानीय नीति होगी, तो आप बताइए कि आपकी स्थानीय नीति क्या है। सबसे पहले सरकार के अधिकारी या सरकार के प्रवक्ता आकर के झारखंड प्रदेश के युवा को यह बतलाने का काम करें कि वो किस नियोजन नीति पर और किस स्थानीय नीति पर 26,000 शिक्षकों को बहाली करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुख्यमंत्री के भाषण को सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि 1932 हमारा मुद्दा आज भी जिंदा है। उनके वक्तव्य से ही ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए 1932 केवल एक मुद्दा है, संकल्प नहीं है, वो राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाती है, वह संकल्प लेती है। हम लोगों ने संकल्प लिया कि राम मंदिर बनाएंगे, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारा संकल्प था, हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे कश्मीर से, ये मुद्दा नहीं था, ये राजनीतिक संकल्प था, और ये हम लोगों ने करके देश और दुनिया को दिखाया, धारा 370 हटाया। लेकिन एक मुख्यमंत्री 3.5 साल बाद मुंह खोलता है तो प्रेस में या जनता के बीच में यह बोलता है कि 1932 हमारा मुद्दा है, तो मुख्यमंत्री को यही बताना चाहिए कि आपका जो 1932 मुद्दा ही है, वो संकल्प आपका नहीं है, ये झारखंड प्रदेश की जनता और युवा समझ गए हैं कि आप ठग करके वोट लेने का काम किए और ठगों के सरदार आप बन गए हैं। ये जो आपके मंत्री हैं वो ठग हैं और ठगों के राजा आप हैं। आप कृपया करके यह बताएं कि यह जो नियोजन आप 26,000 लोगों को लेने जा रहे हैं, इसमें क्या 1932 के आधार पर आप नियोजन उन लोगों को दीजिएगा, 1936 के आधार पर दीजिएगा, 1938 के आधार पर दीजिएगा, या किस आधार पर आप दे रहे हैं? पहले तो मुख्यमंत्री को आकर के ये बात स्पष्ट करना चाहिए, चूंकि जो संकल्प निकला है जो इसमें कहीं के स्पष्ट नहीं है कि इनकी स्थानीय नीति क्या है और इनका नियोजन नीति क्या है। स्थानीयता का परिभाषा अभी तक इन्होंने बताने का झारखंड प्रदेश को काम नहीं किया है। बार बार ये केवल है स्थानीयता और नियोजन नीति केवल इनका राजनीतिक मुद्दा है, और इस मुद्दा के आधार पर ये झारखंड प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अब आप बताइए कि ये जो 26,000 शिक्षकों का बहाली कर रहे हैं, इसमें एक कंडीशन इन्होंने लगाया है कि केवल जो प्रशिक्षित लोग होंगे यानी जो टेट पास लोग होंगे वही इस एग्जाम में बैठे। आप मुख्यमंत्री जी, आपसे ही ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या 2019 में झारखंड में ऐसा नियम देश के लिए, देश के परिप्रेक्ष्य में झारखंड में भी ऐसा नियम बना है कि प्रत्येक साल टेट की परीक्षा होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो 2016 से लेकर के 2023 तक टेट की परीक्षा क्यों नहीं की गई? अब 2016 से 2023 के बीच में अगर आप गैर सरकारी आंकड़े देखेंगे, जो हम लोगों को राजनीतिक आंकड़े हम लोगों को मिले हैं, उसमें लगभग 8,00,000 लोग बीएड और डीएलएड किए, यानी वो शिक्षक के पात्रता को पूरा करते हैं, केवल टेट के एग्जाम नहीं होने से वो वंचित हो जाए। यानी 8,00,000 युवा को जो समानता का अधिकार है नियोजन के लिए, वो आप उससे उसको वंचित कर रहे हैं। वो बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे जिनके माँ बाप भूखे पेट रह करके अपने बच्चों को पढ़ाए, बीएड और डीएलएड कराया, उनको टेट की परीक्षा नहीं होने से वो बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी तक 3.5 साल के दरमियान एक भी टेट का परीक्षा यह निकम्मी और नालायक सरकार ने करने का काम नहीं किया, जिससे 8,00,000 हमारे झारखंड के युवक और युवती वंचित रह जाए। दूसरी बात यह है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने से जो आप 26,000 लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।